हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बीसी सखी योजना के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जो आप सभी के क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कई कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हीं के प्रॉब्लम्स को लेकर के हमने आई वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा था कई दिनों से कि मैम यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि समूह की महिलाओं का इसमें चयन हो रहा है या फिर समूह जिसने नहीं बनाया है तो उसको इसमें क्या कहते हैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसी बारे में हम बात करेंगे आगे। और ये भी बताएंगे, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि आप विवाहित महिलाओं को इसमें समूह में नहीं लिया जा रहा है और क्या इसमें बीसी सखी में चयन होगा कि नहीं होगा, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर कि जो अविवाहित महिलाएं हैं, अब यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अविवाहित महिलाओं का चयन नहीं होगा और वो बीसी सखी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कहीं पर ना तो लिखा हुआ है ना तो कहीं बताया गया है कि अविवाहित महिलाओं का यानी कि लड़कियों का चयन इसमें होगा। ठीक है, हर जगह यही लिखा हुआ है केवल कि महिलाओं का इसमें चयन होगा। ठीक है, जो महिलाएं जो विवाहित हैं उनका इसमें चयन किया जाएगा और उन्हीं को बीसी सखी बनाया जाएगा। और यहाँ पर ये भी बात आ रही है, आप लोगों ने खुद बताया है कि समूह में जो अविवाहित महिला लड़कियाँ हैं उनको इसमें नहीं लिया जा रहा है समूह में। ठीक है, समूह नहीं बना सकती हैं। तो देखिए बिल्कुल समूह की महिलाएँ आपको नहीं लेंगी, केवल विवाहित महिलाओं को ही लेंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही आ रही है कि अविवाहित महिलाओं का अब यही लग रहा है कि उनका चयन नहीं होगा जब वो समूह से जुड़ ही नहीं सकती हैं। जब उनको समूह नहीं लेगा तो आप बताइए आप बीसी सखी कैसे बनेंगी। और कहीं पर ये लिखा भी नहीं हुआ था, आज तक नहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि लड़कियों का इसमें चयन होगा, हमेशा हर जगह यही लिखा हुआ है कि महिलाओं का इसमें चयन होगा। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर कि समूह के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं कि हम समूह नहीं बनाए हैं तो क्या हम ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। तो देखिए आप लोग ट्रेनिंग दे लेंगी, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जो समूह नहीं बनाया है वो भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समूह नहीं बनाई थी, कोई भी समूह से नहीं जुड़ी हुई थी लेकिन उनका इसमें चयन भी हुआ है, वो लोग ट्रेनिंग भी दी हुई हैं, पास भी हो गई हैं। लेकिन ये है यहाँ पर कि समूह तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आज बनाए या कल बनाए आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समूह तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इसके लिए आप लोग इतना तो जान ही लीजिए कि समूह बनाना है, चाहे जैसे बनाना है, आज बनाए कल बनाए। और उसके बाद यहाँ पर समूह तो मैंने आपको बता दिया कि बनाना है। ठीक है, चाहे पहले बनाए चाहे बाद में बनाए। और उसके बाद अविवाहित महिलाओं लड़कियों को नहीं लिया जा रहा है समूह में, ये भी आप लोगों को पता है, इसीलिए वो बीसी सखी भी नहीं बन पाएंगी। यहाँ पर ये भी हो रहा है, लगभग यही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का ही इसमें चयन कर लिया गया है, जो लड़कियाँ हैं उनको इसमें नहीं चुना गया है। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि ट्रेनिंग आप लोग दे लेंगी। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल आप ट्रेनिंग आपका हो जाएगा आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बनाना चाहें तो अभी बना लीजिए। वैसे मैंने कई वीडियो में ये चीज़ बताया हुआ था कि पहले से ही आप लोगों को कई वीडियो में हमने आपको डेली जानकारी देते थे कि समूह बना लीजिए। जिसने बनाया था ठीक है, जिसने नहीं बनाया है बाद में बना लेंगी अपना। ठीक है, इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, ये फालतू बहकावे में मत पड़िए। बाद एक जानकारी हम आप लोगों को और दे देते हैं, स्टार्टिंग से ये बात बताई जा रही थी, ये सब वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि समूह की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग से ये बताया जा रहा था। बाकी बहुत सारी महिलाएं हैं, मैंने आपको जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया कि समूह से नहीं जुड़ी थी फिर भी उनका चयन भी हुआ है और ट्रेनिंग भी दी है, सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल बहकावे में मत पड़िए फालतू। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जैसी भी जो भी अपडेट आती है अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक सूचित करते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। बाकी जो बात हुई लड़कियों की कि लड़कियों का इसमें चयन होगा कि नहीं, समूह से नहीं लिया जा रहा है तो नहीं ले रही हैं, तो भाई उनकी प्रॉब्लम है, नहीं ले रही हैं तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें महिलाओं को ही शायद लिया जाएगा, इसीलिए उनको नहीं लिया जा रहा है। बाकी इसका ये भी मतलब यहाँ से हो जाता है कि लड़कियों का इसमें चयन भी कहीं पर अभी तक हुआ नहीं है फिलहाल। ठीक है, ना तो ये लिखा हुआ है कि लड़कियों का चयन होगा कि नहीं होगा, ये लिखा भी हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर लिखा हुआ है कि महिलाओं का इसमें, लड़कियों का ये चीज़ कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। बाकी आपके सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।
इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कल मॉर्निंग में एक वीडियो आई थी, उसको आप लोगों ने नहीं देखा जल्दी से जाकर के देख लीजिए। उसमें 20,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। उस जॉब को आप लोग जरूर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।